नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। उन्नाव में कुछ अधिकारियों द्वारा जिस तरह से पत्रकारों और आम जनता का शोषण किया जा रहा है और पत्रकारों को फर्जी मुकदमे लिखकर फंसाने की साजिश की जा रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्नाव की तहसील बीघापुर में तैनात नायब तहसीलदार किशुनीखेड़ा गाँव के एक नाले के विवाद को सुलझाने गए थे। पीड़ितों को तो न्याय न दिला सके, लेकिन मौजूद पब्लिक के बीच मीडिया को निशाना बनाकर अभद्र शब्दावली का प्रयोग करते हुए पूरी मीडिया तंत्र का ही अपमान कर डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। वायरल वीडियो को देखते ही पत्रकारों और मीडिया कर्मियों में भारी आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी है। उन्नाव जिलाधिकारी को संबोधित एसडीएम बीघापुर को लिखित ज्ञापन देते हुए उक्त दबंग नायक तहसीलदार व तत्काल कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। आपको बता दें कि हाल ही में तहसील बीघापुर के अंतर्गत किशुनखेड़ा गांव में ग्राम प्रधान व संबंधित अधिकारियों द्वारा जबरन नाला खुदाई करवाकर कुछ गरीब लोगों की दीवार व बाउंड्री वाल गिरा दिए जाने का पीड़ितों द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जिसकी खबरें भी प्रकाशित हुई थी। कुछ समय पश्चात जब उसी मामले की जांच करने नायब तहसीलदार बीघापुर किशुनखेड़ा गाँव आते हैं तो नायब तहसीलदार द्वारा खुले आम तानाशाही इस कदर देखने को मिली कि पूरे मीडिया तंत्र को ही निशाना बनाकर अभद्र टिप्पणी का बौछा कर अपमानित करते नजर आए। बड़ा सवाल है कि आखिर मीडिया को वहां क्यों निशाना बनाया गया? पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय उल्टा उन्हें ही जेल में डाल देने की धमकियां दे रहे थे। नायब तहसीलदार के इस दबंग बताना शाही पूर्ण रवैये का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया है। वीडियो को देखते ही पत्रकारों और मीडिया कर्मियों में भारी आक्रोश फैल गया है। नायब तहसीलदार के इस तानाशाही रवैये से आहत क्षेत्र के तमाम पत्रकार उपजिलाधिकारी दयाशंकर पाठक के पास ज्ञापन देने पहुंचे तो वहां मामले को घुमाने की कोशिश तो की जा रही थी। वहीं दूसरी ओर जब मीडिया ने नायब तहसीलदार से बात करने का प्रयास किया तो नायब तहसीलदार कुर्सी छोड़कर ही भाग गए। फिलहाल सभी पत्रकारों ने दयाशंकर एसडीएम बीघापुर को लिखित ज्ञापन देते हुए नायब तहसीलदार के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है और वहीं कहा गया है कि यदि एक हफ्ते के अंदर नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई तो हम सभी पत्रकार व मीडिया कर्मी तहसील मुख्यालय पाटन आकर उग्र धरना प्रदर्शन भी करेंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए अनिल प्रजापति, ब्यूरो लखनऊ मंडल से रिपोर्ट। सर, एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल होता है जिसमें नायब तहसीलदार महोदय बीघापुर द्वारा मीडिया को ईडिया मीडिया जैसे शब्दों से अभद्र भाषा बोल करके अपमानित किया जाता है और मामला किशुनखेड़ा का जहाँ नाले विवाद को लेकर था वहाँ पर मामले को सुलझाने गए थे, मीडिया को उन्होंने टारगेट क्यों किया? देखिए, इस संबंध में मीडिया वालों का विज्ञापन प्राप्त हुआ है, इसकी जाँच कराकर नियमानुसार कार्रवाई कराई।